कि चांद से भी खूबसूरत है तवे की रोटियां, और भूख से बच्चा मरेगा क्या करेगी चांदनी। आप राहुल गांधी मत बनिए। नहीं, मुझे राहुल गांधी, कोई राहुल गांधी नहीं बन रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ, मुझे 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 जरा सा भी वो नहीं है। गांधी के ऊपर सभी सहमत है? नहीं, राहुल है चूतिया, वो गंवार है, वो यार ये तो जो नहीं काम करेगा वो चूतिया होगा। राफेल का क्या बवाल है? वो बस 2019 के चुनाव के लिए उनको बस इस चीज को डिमोरलाइज करना है, मोदी को दिखाना है। जब उनके टाइम में था तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरी बात, इसको पहले अरुण जेटली ने एक घंटा समझाया, फिर अनुराग ठाकुर ने समझाया, सुषमा स्वराज ने समझाया, निशिकांत दुबे ने समझाया, फिर ढाई घंटे रक्षा मंत्री ने समझाया, लेकिन उसके बावजूद ये बाहर आगे कह रहा है कि राफेल 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 राफेल। उसको एक ऐसा चीज मिल गया है ना, जिससे वो उसको लगता है कि 2019 में मेरा शायद कुछ बन सकता है पीएम पद के लिए। जिन ऑडियो की बात कर रहे थे ना, उसकी कोई उन्होंने ऑथेंटिकेशन भी नहीं की थी। वो मामला तो उसी दिन खत्म हो गया, और वो बाहर आने के बाद फिर से पब्लिक मीटिंग में भी। बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये हल्ला मचा रहा 536 करोड़ रुपए। जिस समय 11 में बिड हुई थी, जो पहली बिड आई, उसमें रेट था 100 मिलियन यूरो, नॉट यूएस डॉलर, नहीं यूरो, 100 मिलियन यूरो। उस समय एक्सचेंज रेट था 74 रुपए, उस हिसाब से बैठता 740 करोड़ रुपए, जिसको रक्षा मंत्री ने 736 बताया। मैं थोड़ा सा राउंड फिगर कर रहा हूँ, उन्होंने एग्जैक्ट बताया। तो राहुल गांधी फिर भी 536 बोल रहा है। तब तो एसेसरीज भी नहीं लगी थी जो ऊपर माउंट हो रही है। अब सुनिए, उस डील के डिले होने से 20 रुपए का अंतर आ गया एक्सचेंज रेट में। अच्छा, वो नुकसान किसकी वजह से हुआ? राहुल गांधी की वजह से हुआ। अब वो कह रहा है कि बेयर जो एयरक्राफ्ट है, हाँ, उसकी कीमत में आप पूरा क्यों खरीद रहे हो? अच्छा, जबकि जब आप ट्रक खरीदते हैं तो उसकी चेसिस की कीमत होती है कम, बॉडी बना के उसकी कीमत डबल हो जाती है। सही बात है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर कई सारी टेक्नोलॉजी, एसेसरीज कई मिल रही है। एक मीटियोर करके मिसाइल है, हाँ, जो एयर टू एयर लॉन्ग टर्म दूरी पे मार करती है। अच्छा, उसके अकेले एनहांसमेंट की कीमत है 6,000 करोड़ रुपए। अच्छा, 28,000 करोड़ का जो बेयर एयरक्राफ्ट है, उसमें 6,000 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे ही 10-12 एक्सेसरी और है, हाँ। तो वो ये नहीं समझ पा रहा है ना, वही तभी तो चूतिया कह रहे उसको। पप्पू की कोई उम्मीद नहीं है राफेल को लेकर पास होने की, कोई उम्मीद नहीं है। पप्पू का तो 2024 में भी कोई उम्मीद नहीं है। 19 बताइए, आप समझदार है, एक वो पप्पू है सबको पता है, लेकिन उसके साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियां उसी का गीत क्यों गा रही हैं? पावरफुल है ना, पावरफुल है। कृपया वहां आप लोग चलिए, हिंदी माध्यम के छात्र वहां लगाए, आप लोग वहां, हाँ, मीडिया के दबाव बनेगा, छात्रों को मारकर, हाँ, पुलिस भगा रही है कुछ, आप आईएएस के लिए, सीसेट के लिए, उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है वहां, हिंदी माध्यम सा जो लड़के हंगे स्ट्राइक कर रहे हैं। विश्वास प्रताप जी, जो आज सरकार ने 10% आरक्षण देने की बात की आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के छात्रों को, जी आप उस फैसले से कितना, किस तरीके से? 100% सहमत है। क्या आपको लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा, क्यों नहीं मिलना चाहिए सामान्य वर्ग को आरक्षण? अभी जो गरीब स्टूडेंट होते थे सामान्य वर्ग के होने की वजह से, कई बार वो रह जाते थे नौकरियों से, एडमिशन से, उनको मुख्यधारा में आएंगे, बिल्कुल माननीय मोदी जी के फैसले से वो भी मुख्यधारा में जुड़ेंगे, उनको भी इसका लाभ मिलेगा, और एक अच्छा फैसला है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। रिजर्वेशन इज गुड बट इट शुड बी लाइक ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। लाइक आप कोई भी स्कीम्स लेके आते हो, नॉट ओनली रिजर्वेशन, कोई भी स्कीम आप लेके आ रहे हो अगर, तो देर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। अब उसमें है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड, एक वर्ड यूज कर गए उसका, इकोनॉमिकली वीकर, हाँ, इकोनॉमिक बैकवर्ड और वीकर इट्स द सेम थिंग, तो उसका इंटरप्रिटेशन जो होना चाहिए ना, तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो रियली इकोनॉमिकली। उसका इंटरप्रिटेशन मैं बता देता हूँ, 8 लाख से कम सालाना आय हो, 100 गज का मकान नहीं हो बड़े शहर में, 200 गज का नहीं हो छोटे शहर में, 5 एकड़ से कम जमीन हो, अब उसमें तो हर जगह होता है, एक सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना पड़ेगा। वो आयरनी इज दैट कि जो सर्टिफिकेट बनवाने की आप बात करते हो ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आप सिस्टम का हिस्सा हो और आप अज्यूम कैसे कर सकते हैं? अभी तो बिल भी नहीं आया, अभी तो संविधान संशोधन भी पेश नहीं हुआ है, ये जो निगेटिविटी की आपने कहा नहीं होगा, आप मान कैसे सकते नहीं होगा? आपको लगता है कि ऐसा नहीं, हमें मेरा कहने का मतलब ये कि हो, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली। हाँ, आशंका। हाँ जी बताओ। क्या जो आरक्षण दिया गया है 10% लोगों को,
क्या 10% जो 50 के अलावा 10% वो लेके आ रहे हैं आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं उनके पास, हाँ जी क्या कहेंगे? गरीब लोगों के पास पढ़ने के लिए साधन भी नहीं है, तो गरीब लोगों को देना चाहिए। जो अमीर आदमी हो तो पढ़ सकता कोचिंग, लेकिन गरीब कहाँ से पढ़ेगा? अमीर को नौकरी की जरूरत। हाँ तो गरीब आदमी को तो देना ही चाहिए आरक्षण। बहुत ये जो गरीब होते हैं ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं। खुद मैं बिहार से हूँ, मैं खेत बेचकर यहाँ IAS बनने आया हूँ, ठीक है? तो ये जो है आरक्षण जरूरी है, ठीक है? जरूरी है आरक्षण। जो लोग कह रहे हैं कि गरीब को नौकरी क्यों करनी चाहिए, फिर तो वो तो एक आपको लगता है कि उस अभिजात वर्ग के हैं जिसके खिलाफ आरक्षण पैदा किया गया, ये आपको लगता है कि हो चुका है? सामंतवादी शक्तियां हैं, देखिए इन लोगों का ऑलरेडी तो विकास जी की भाषा में सामंतवादी शक्तियां हैं आप लोग नहीं जो सामंतवाद, देखिए सामंतवादी आज भी है और पहले भी था। जो आजादी के बाद हमारी बकास्त भूमि थी, वही भूमि केवल हम लोग को मतलब उसको पब्लिसिट किया गया, ठीक है? और बाकी जो भूमि था उसको निजीकरण के रूप में ही रहने दिया गया, ठीक है? आरक्षण से ना सिर्फ मनोबल बढ़ता नहीं, उसे घटता भी है। लोग है ना मेहनत करना कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है। आरक्षण देखिए, आरक्षण देखिए, उनको बढ़ने के लिए तो मौका देना पड़ेगा हर हाल में। रूल लेके आई है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कमेटी ने आज 10% आरक्षण देने की बात की है सामान्य वर्ग के गरीबों को, मैं उसी पे बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक हिसाब से आरक्षण दो बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई में आरक्षण दो, स्कूल में फीस दे दो, हॉस्टल प्रोवाइड करा दो, लेकिन जब रोजगार की बात आए ना, जब हम एम्प्लॉयमेंट, वहाँ आरक्षण नहीं होना चाहिए, वहाँ आरक्षण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य वर्ग 10% गरीबों को दिया है, क्या वो लोगों के भले के लिए? वो नहीं, वो यार वो भले के लिए है क्योंकि एक जनरल का कैंडिडेट है वाला इधर आया, कौन सा यार ये? भाई वो आर्थिक हिसाब से उन्हें आरक्षण दे रहा, वो ठीक है आर्थिक हिसाब से हमारा सारी कैटेगरी के लिए कर दो ना यार, बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए होना चाहिए भाई, कैटेगरी के लिए क्यों, सारी कैटेगरी के लिए करो, एक के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए, SC ST के लिए नहीं। ऐसा करेंगे तो अभी आपने देखा था जब वहाँ पे आरक्षण के नाम पे उन्होंने कितना उपद्रव किया था जी। ये मैसेज वायरल हुआ व्हाट्सएप पे कि वो आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हुआ था ना एक बात बोलना चाहूंगा, इतना सुंदर छोड़ा सर, एक बात और बोलना चाहूंगा उसके बाद जा रहा हूँ। सरकार को एक मिनट सर, इससे सरकार जो ये सरकार खेल खेल रही है ना आरक्षण का, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा, ये 2-3 साल तक चलेगा, उसके बाद अब सारे पढ़े लिखे हो रहे हैं, आरक्षण का खेल ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा और ये सबके लिए खत्म कर दो। और अगर जो आरक्षण आप कर रहे हो सबके लिए, आर्थिक स्थिति पे करो, सबके लिए खत्म नहीं कर सकते तो कुछ को दे तो सकते हैं, कुछ को भी तो होना चाहिए। एक बात बताओ, ये 12th तक है ना इनको स्कॉलरशिप देते हैं, उसके बाद वो हमारे साथ ही बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद इनको कॉलेज में भी रिजर्वेशन, एडमिशन के लिए भी रिजर्वेशन, और उसके बाद वो हमारे साथ कॉलेज में बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद मेरी बात नहीं सुनी, आज कैबिनेट का एक फैसला आया। हाँ हाँ, लेकिन वो जनरल में से क्यों? जनरल को 10% जो गरीब है जनरल, उनको आरक्षण देने की बात, वो तो ठीक है, लेकिन वो जनरल में से ही तो दिया है। अरे तो पहले तो उनको बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था भाई, वो तो मान गए, लेकिन एक आप उससे सहमत हो गए? नहीं उससे सहमत, हाँ उससे सहमत हूँ, ये तो ठीक है। अब आप दूसरी तरफ बात कर रहे हो आरक्षण खत्म करने की, उसको खत्म करने के लिए माया, मुलायम, लालू, ये सब के सब सर फाड़ देते हैं, क्या करोगे कैसे करोगे आप? अभी इनको किसी ऐसे देख के भी ना लोग भाई आरक्षण तेरे को खत्म कर रहे हैं, वो मारने को तैयार हो जाएगा। तो ऐसे लोग हैं जो देख के बोलते हैं, उनको खुद अपना दिमाग लगा। दूसरी है, मैं आज के फैसले की बात कर रहा हूँ कि जो फैसला है स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, गरीबों के लिए फायदेमंद है या नहीं, उसमें बताओ। वो तो है, पहले एक कदम उठाया जाता है तभी दूसरा कदम उठाया जाता है, तो आज एक कदम उठाया, दूसरा भी जरूर उठेगा आगे इन फ्यूचर में। आरक्षण देना है तो पैसे पे दें, पैसे पे ही तो दिया जा रहा है, यही तो दिक्कत है, पूरी बात नहीं सुनते। आरक्षण शिक्षे पे सुने बगैर शुरू हो जाता है, आरक्षण शिक्षे पे दिया जा रहा है, ये इतने कम आज सरकार ने एक वो, आप मेरा बात सुनिए, आप लोग न्यूज से अपडेट नहीं रहते हो, आप मेरा बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ सुनिए जी। कैबिनेट आज 10% आरक्षण देने की बात कर रही है, केंद्रीय सरकार अपर कास्ट को आर्थिक आधार पे, और वो आधार क्या है? 8 लाख से कम हो आमदनी सालाना, या 5 एकड़ से कम जमीन हो, 200 गज का मकान हो, छोटे से कम का मकान हो छोटे कस्बे में, बड़े दिल्ली जैसे में 100 गज का, ये जो है ये चाल है, ये है चाल।
इससे ये चाल है। अभिजीत धनखड़ नाम है मेरा, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ मैं। आपको चाल क्यों लगती है? चाल इसलिए लगती है कि अभी ये डालेंगे वो वोट बैंक के लिए, अभी जो दोनों खिलाफ हो रखे हैं बीजेपी के, दलित भी खिलाफ है क्योंकि इन्होंने वो पहले जो उनका बंद की थी ना एट्रोसिटी, जो उन्होंने बंद कर दी थी, अब दोबारा से आ गई। दलित भी खिलाफ क्यों बंद किया था वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाई, इन्होंने दोबारा ला दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, इन्होंने दोबारा से ला दी अंदर संसद के अंदर। आपकी नजर में वो सही था, वो सही था गलत था वो दूसरी मैटर। बगैर मुझे एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूं, एक मिनट, आपने उसको गलत बताया, उसको गलत बताया, पहले मेरी उसका जवाब दे दो। अगर किसी व्यक्ति को बगैर जांच के गिरफ्तार कर लिया जाए वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने, वो मुद्दा दूसरा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ सोचा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा। आज के मुद्दे की बात करो, रिजर्वेशन की बात कर रहे हो आप जी, ये जुमला है, धोखा है, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे जो है श्रोणी जाति वाले थोड़े बहुत जो ऊपर के लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, चलो उनका वोट बैंक बन जाएगा, रिजर्वेशन नहीं होएगा। इसका तरीका सुन लो, इसका तरीका ये था कि रिजर्वेशन हट तो सकता नहीं है, अम्बेडकर ने इतना बढ़िया जाल रचा हुआ है, नहीं हट सकता, नहीं हट सकता, नहीं हट सकता, राजा छोड़ मोदी, मोदी मोदी छोड़ किससे भी नहीं हट सकता, ठीक है। अब क्या है, इसका तरीका ये होता है कि जैसे जो टीना दाबी थी उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो ललन है बेचारा, जो कूड़े वाले का लड़का है, उसको रिजर्वेशन की जरूरत है, उसके उसको है, ठीक है। वो आर्थिक आधार नहीं, वो जातिगत है हमेशा से, अब सालों से जातिगत क्यों रहना चाहिए, हजारों साल से तुमको पढ़ने नहीं दिया, किसने कह दिया, कहां लिखा हुआ हजारों साल से नहीं था, कहां आपने सुहेल देव पासी का नाम सुना है? अगर वो एक बार सुने, मैं बताता हूँ आपको, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैं बता देता हूँ, मैं हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। अरे भाई साहब, आपने सुना है ना, केवल ये केवल सुना है, देखा तो नहीं ना आपने, आपने क्या डायनासोर देखे थे आपने? मैं, अरे डायनासोर नहीं देखे मैंने, डायनासोर नहीं देखे, लेकिन डायनासोर के आधार पर किसी को आरक्षण तो नहीं दिया गया, डायनासोर के आधार पर किसी को आरक्षण तो नहीं दिया गया, किसी को सजा तो नहीं दी गई। अरे कैसी बात, सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, एक काल्पनिक बात, सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। अरे मेरी बात सुन लो, हां जी बोलो, आप स्टूडेंट हो ना जी, तो सुनना सीखो, मैं आपको बताता हूँ, सुनाओ। एजे शेरिंग करके एक अंग्रेज था जी, जिसने सबसे पहले भारत में बताया जाति के नाम पे, उसने थ्योरी दी 1907 में, उसकी किताब आई डिवाइड एंड रूल का, जो 1907 में किताब आई, उससे पहले जाति नहीं थी। जाति का मतलब होता है जन्म से, सुन लीजिए, वर्ण होता था। आप अगर पेशा कर रहे हैं चमार का तो चमार हो, ब्राह्मण का कर रहे हो तो ब्राह्मण हो, छत्री का काम कर रहे हो तो छत्री हो, ठीक है, कर्म के आधार पे। उससे पहले उससे पहले कहीं एट्रोसिटी जैसी चीज हमने कहीं देखी नहीं, सुनी नहीं। एक आध जगह होता था तो वहाँ समाज, सुनिए, समाज वहाँ विरोध करता था, उसके आधार पर मुझे एक बात बताइए। एक आपने टीना टॉपी का उदाहरण दिया, टीना टॉपी का उदाहरण दिया, मायावती दलित के नाम पर भ्रष्टाचार के 100 करोड़ की देवी हो गई, अब उसकी जो बेटी होगी क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? वो क्या, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जन्म के आधार पर मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं जन्म के आधार पर, आपने बात सुनी, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, पूरा पूरा एक एक मिनट, पूरा पूरा दलित समाज, एक दूसरी बात तो सुन, पूरा दलित अपना बोलो, मैं कह रहा हूँ आरक्षण नहीं होना चाहिए, सब ये चाहते नहीं होना चाहिए, दलित भी चाहते हैं नहीं होना चाहिए, वो इतने ऊपर आ जाए उन्हें जरूरत ना पड़े। मुझे यहाँ 10 दलित ढूंढ के दिखा दो जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा, 10 दलित ऐसे यहाँ पे खड़े कर दो, नौकरी दे दो आप, ए भाई नौकरी फिर तो आरक्षण ही होगा, एक एक मिनट, हमें नौकरी चाहिए ना, आपने एक एक मिनट, एक मिनट, आप आपने मायावती का उदाहरण दिया, एक एक मिनट, आपने मायावती के बारे में बोला, रामविलास पासवान के बारे में बोला, क्या पूरा दलित समाज रामविलास पासवान की तरह धनवान है क्या? अपने इस बात क्या पूरा ब्राह्मण समाज राहुल गांधी की तरह, ब्राह्मण ब्राह्मण समाज का एक ठाकुर समाज है, वैसे समाज पूरा हमारे देश में जितने भी बड़े ठाकुर समाज है, आपका सोल्यूशन उस पे, कोई सा समाज ऐसा है ब्राह्मणों का? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हर 5 साल में 10 साल में रिवाइज किया जाए, जो छोटी जातियां नीचे जो ऊपर आ चुकी हैं, जैसे जो जातियां ऊपर आ गई उनको हटा दिया जाए, जो दलित रह गए उनको रखा जाए। अच्छा, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, अब मुझे बताइए मूल संविधान में ये आरक्षण कितने साल के लिए था? ये था 10 साल के लिए। क्या 10 साल में हटा? 10 साल के लिए हटाने के लिए थोड़ी था, खत्म हुआ, खत्म हुआ, खत्म हुआ, अत्याचार खत्म हुआ, वोट बैंक की राजनीति नहीं होगा, खत्म हुआ, दलितों पर अत्याचार खत्म हो गया, कहाँ हो रहा है? रिपोर्ट पढ़ी आपने? मैक्सिमम जिनका, अरे छोड़ो, जिनका बलात्कार, मैक्सिमम बलात्कार 90% केस सिर्फ दलितों के साथ हुआ है, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा, आंकड़े बोल रहे हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। एट्रोसिटी टेंशन ज्यादा पड़ते हैं उसमें, आप रविश कुमार को ज्यादा देखते हैं, आप कहो तो ये है रविश की ऐसी तैसी, नहीं नहीं, वो उसको उसको अच्छा मुझे बताइए, बेमुला का उदाहरण था, आपने डिबेट हुआ, देखो एक बेमुला का उदाहरण था, ये फालतू बोल के बात खराब कर देंगे, देखो बेमुला का उदाहरण था, वो नकली ओबीसी था, बेमुला को दलित बनाया गया, सब हम सब भाई हैं, सब असली हैं, समझ रहे हो भाई, जान तोड़ो मत, ये तुम बहुत देर से था तुम्हारा मुंह, मैंने मुंह से वो हटाया, तुम बोलो बेहतर, बेहतर इंटेंस,
तू क्या है दिल्ली लगाना है सर सर बेहतर इंटेंशन होने के बावजूद नकली समझ गए क्या हुआ आप बिना बात के जुमलेबाज हो आपको घंटा नहीं पता अच्छी बात है आपको बहुत पता है नहीं आपको बहुत पता है आपकी बातों से लग रहा है कि राहुल के आप पप्पू हो सर बेहतर इंटेंशन के बावजूद इस जो अभी जो बता रहे हैं आपकी आया है इसका मतलब कि सभी लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉक लेवल पे हर व्यक्ति जाति आय प्रमाण पत्र बनवा सकता है किसी का आय कितना है अरे भाई आप अज्यूम कर रहे हो ना गवर्नमेंट बिल लेके आएगी आप जैसे समझदार लोग उसके सुझाव देंगे गवर्नमेंट ने पहले आपको बताया कि जो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होता था वो खत्म किया गवर्नमेंट ने सेल्फ अटेस्टेशन किया ना उसी तरीके से आपकी आय का प्रमाण पत्र भी तो सेल्फ अटेस्टेड हो सकता है अगर आपने गलत जानकारी दी तो फिर आपकी नौकरी भी जाएगी और जुर्माना भी लगेगा ठीक है अभी तो ऐसा कुछ नहीं अभी तो कोई भी आय प्रमाण पत्र जितना का चाहे बनवा सकता है तो फिर आर्थिक आधार पे आरक्षण जब होगा पैदा होने से पहले ही अगर ये आशंका करो कि ये गुंडा निकल गया नाक कटवा देगा बदनामी कर देगा डकैत बन जाएगा ये गलत बात है सर पैदा तो होने दो उसको इसके बाद नहीं हम तो बोल रहे हैं आप बिल्कुल आने दोगे कि नहीं आने दोगे हम इसके समर्थन में है लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसका इंटेंशन अच्छा होने के बावजूद सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा इस पे संदेह है आप जैसे समझदार आदमी वहाँ पहुँचेंगे तभी तो होगा ना जो भी जब हमें नौकरी मिलेगी नौकरी के लिए तो किया जा रहा है नौकरी के लिए कहा किया जा रहा है सर आरक्षण सामान्य वर्ग को दे दिया सर आप अगर होनहार होंगे तो चले जाएंगे नहीं सर मार्जिन कम्युनिटी सर जो जनरल सर इतनी ज्यादा मार्जिन खूब है आप जानते हो क्या मार्जिनल कम्युनिटी कौन सी है जनरल में भी जिसको पर्टिकुलर नहीं मिला है आप बताइए कौन सी मार्जिनल कम्युनिटी होती है आप कोई जानते ही नहीं हो मार्जिनल कम्युनिटी कौन कितनी है इंडिया में जनरल में ऐसी भी है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख की है पॉपुलेशन की बात नहीं है यहाँ आरक्षण उसको कौन इंक्लूड करेगा देखो ऐसा है जो योग्यता के आधार पर व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहा था आरक्षण की वजह से गरीब था उसको आगे लाने की बात है आप जो 10 लाख की कह रहे हो उसमें से वो भी जाएगा इनमें से भी जाएगा इनमें से भी जाएगा जिसका मतलब देखो हर चीज में अगर आशंका करोगे तो हर वो कहावत है ना पॉपुलेशन 5 करोड़ होगी ना बताओ आप लोग सब स्टूडेंट हो मक्खी जो होती है ना आदमी कितना भी नहा के धो के सेंट लगा के आया हो सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए उसको कोई घाव दिखेगा ना उसी पे बैठे और समझदार आदमी का ये है कि वो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है और पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी ढूंढने वाला अलग होता है आचार्य पूर्ण सिंह की एक हमारे यहाँ आचार्य पूर्ण सिंह का एक लेख था आचरण की सभ्यता उसमें एक बहुत बढ़िया लाइन थी मुझे आज तक याद है 30 साल पहले मैंने पढ़ी थी उसमें था कि पवित्र अपवित्रता भी उतनी ही बलवती है जितनी की अपवित्र पवित्रता नेगेटिविटी में आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो पॉजिटिविटी में आप नेगेटिविटी ढूंढ सकते हो आज एक बिल की बात हो रही है सरकार कह रही है कि हम बिल लेके आ रहे हैं 10% आरक्षण देंगे आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को अब आप कह रहे हैं कि उसमें ये होगा वो होगा हर चीज में होता है ये जो फैसला है इससे आप कितने सहमत हैं उस पर बात करिए नहीं सर ये ठीक है मतलब जो लोअर लेवल है जो मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको जो मतलब उसका अलग सेक्शन बनाया जाता है तो वो ठीक है जो मतलब आप जनरल कैटेगरी में आते हैं पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो ऊपर जा सकते हैं इससे उसको बेनिफिट है आरक्षण का भी तो मकसद यही है वहाँ जन्म का लगा दिया यहाँ से लगा दिया नहीं नहीं सर ये है ना वो पहले से चलता आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट से वो कह रहा हूँ उन्होंने उसको कास्ट बेस कर दिया अब कास्ट बेस की जगह पे यहाँ सामान्य वर्ग में अगर आर्थिक बेस पर वो दे रहे हैं जिसकी मांग चल रही है 50 साल से इस देश में ये मांग होती रही उसमें भी गई लोगों ने ये कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन आर्थिक आधार पर उस पर वो राजी नहीं है लेकिन सामान्य वर्ग में तो कर सकते हैं ना आगे आओ तुम तो समझदार लग रहे हो है ना हाँ बोलिए आप बोलिए आरक्षण जो दिया जाने की बात हो रही है 10% सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर क्या कहेंगे कि लोगों को कितना फायदा होगा इससे बहुत ज्यादा 10% और ज्यादा यदि थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए 10% अभी कम है शुरुआत में तो 10% बहुत है पहले तो इतना भी चलिए देर से सही शुरुआत हुई तो सही हाँ खुशी की बात है इसका आपको क्या लगता है चुनावों पे क्या असर पड़ेगा लोकसभा वालों अरे तीन राज्य उनके चले गए गढ़ थे उनके इसी वजह से बहुत बड़ा इशू था ये अभी आपको लगता है कि बाकी जगह से बंपर जीतने वाले हैं अभी अब बम्पर क्या अभी बहुत बड़ी हार होने वाली थी अब थोड़ी सी थोड़ा सा बच जाएंगे उसकी वजह से अच्छा हार होने वाली थी वजह क्या है वजह राहुल जी हैं जो राफेल चिल्लाएंगे राहुल जी वो कहते हैं कि मैं राफेल चिल्लाऊंगा कुर्ता क्या पार के। बात करते राहुल जी कहीं यहाँ नहीं लगते राहुल जी की वजह से नहीं है वो अपनी वजह से अभी जो हारे हैं अपनी करतूतों से हारे हैं ठीक की वजह से हार रहे हैं जो किसी अब आप, आपको लगता है कि इस फैसले के बाद राहुल जी के बाद पॉजिटिवली असर पड़ेगा हाँ। इसका हाँ बेशक पढ़ना ही तय है आपको क्या लगता है बड़ी देर से सुन रहे हैं जी बेशक पड़ेगा नाम बताइए अपना दीपक
दीपक जी जो ये फैसला है इससे कितने सहमत हैं? ज़्यादा सहमत हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिकली रूप से वो सामान्य में तो आते हैं लेकिन से इकोनॉमिकली रूप से वीक है। अच्छा सर। तो इससे जो हमारा जो 50% आरक्षण है उसको छोड़ के जो है उनको इसमें दिया जाएगा, अलग 50% में आरक्षण दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सामान्य में तो आते हैं लेकिन से वो इकोनॉमिकली रूप से वीक हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं नौकरी में या इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं उनको फायदा मिले।